अरे बढ़िया लगेगा। जय श्री राम। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ नया बस स्टैंड और एक और बार आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी दिवाली को गए सिर्फ 2 या 3 दिन हुए हैं और आज हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए नया बस स्टैंड, वो भी किसी ठेले पे। ठीक है, तो ये हमारे भाई का सजेस्ट किया था भाई ने कि हमको कहीं जाना है खाने के लिए। ठीक है ना, कह रहे हाँ। कहाँ जा रहे हैं? एग एग हिंदी बोले को नहीं, अंडा 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 ईडा ईडा। गाइस, अंडे खाने के लिए किसी ठेले पे जा रहे हैं अच्छे से, तो यहीं पे कहीं पे लगा होगा, तो अंडे वंडे खाएंगे और आज कुछ मतलब कि प्रोटीन लाते हैं शरीर में, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं शरीर को। तो तुम लोग देख सकते हो अभी भी लाइटनिंग वगैरह है दीपावली की लगी हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे। तो चलते हैं फटाफट एग की दुकान पे, हमें जो चाहिए वो मिलता है दारू के ठेके के बाहर। तो ये दारू का ठेका है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे अंडे का ठेला जहाँ पे हम कुछ खाएंगे। दारू यार बढ़िया नहीं लगे मने, ना ना बढ़िया नहीं लगे ना। अरे बढ़िया लगेगा। जय श्री राम। भाई साहब अपना ले रहे हैं और हम खाते हैं कुछ तो गाइस 2 प्लेट कराते हैं यहाँ पे हम। ठीक है ना, बड़ा मेरे इससे मतलब है, ये खाएंगे हम। थैंक यू भाई, राजा तो गाइस खाते हैं बराबर। अच्छी दुकान है यार, अच्छी जगह है। गाइस, ये तो क्लास कर दिया हम दोनों ने मिलके। और अब कुछ अलग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? आमलेट खाएंगे अभी। तो भाई का आज पूरा मन है एग पे और अंडे पे, तो आज आमलेट बना रहा है भाई अपना। देखो गैस शुरू है, बन रहा है अपना आमलेट, तैयार होता है, तैयार हो गया आता तब तक वेट करते हैं। ठीक है, ये आ गया अपना आमलेट। भाई ने काफी अच्छी तरह से बनाया यार, देख सकते हो तुम लोग। इसमें क्या क्या डाला है? ब्रेड वगैरह एकदम ब्रेड है, ब्रेड आमलेट। ठीक है, इसे भी खा लेते हैं, क्लास करते हैं। अभी इसमें टूट पड़ेंगे हम दोनों। तो गाइस आमलेट भी बड़ा शानदार था यार, तो खा लिया, बहुत ही शानदार था, मज़ा आ गया यार। और अभी पेमेंट हो रहा है, पेमेंट कर रहा है अपना भाई और फिर चलते हैं घर पे। हो गया गाइस आज का, मज़ा आया, मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया। आज का हो चुका है हमारा नाश्ता पानी और अभी हम घर जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा था यार। और एकदम दारू के ठेके के पास था, अगर आप लोग भी दारू के शौकीन हो तो वहीं पे जाना, आपको चकना वगना सारा कुछ मिल जाएगा दारू के ठेके के पास ही। और आज का मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और पूरी की पूरी इस भाई की सोच थी और भाई का आइडिया था कि वहीं पे जाना है। ठीक है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा वीडियो। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना यार, तो क्योंकि ऐसे ऐसे और ब्लॉग लाता रहूँगा मैं, तो कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।